प्यारे विद्यार्थियों, आरसीआई एजुअप बांसुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था भ्रम के प्रकार, जिनमें आपको परिस्थितियाँ समझाई गई थी कि पांच प्रकार से भ्रम का समापन किया जा सकता है। लेकिन वो जो पांच परिस्थितियाँ, जो पांच प्रकार थे हमारे पास, उनका जो विस्तृत विवरण है वो नहीं पढ़ाया गया था, वो आगे के लिए छोड़ दिया गया था, जिसका हम अध्ययन अब करेंगे। देखिए, पहली कंडीशन थी आपके पास समझौते के आधार पर भ्रम का समापन। विद्यार्थियों, जब कोई ऐच्छिक साझेदारी हो, साझेदारी के प्रकार में ऐच्छिक साझेदारी आती है। ऐच्छिक साझेदारी का अर्थ यह होता है कि सभी साझेदारों की इच्छा के आधार पर की गई साझेदारी। अब ऐच्छिक साझेदारी यदि हो तो उस ऐच्छिक साझेदारी में सभी साझेदार अपनी इच्छा से, देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि साझेदार इच्छा से किसी भी समय साझेदारी की समाप्ति कर सकते हैं। सभी साझेदार एक मत होकर एक सहमति के रूप में स्वेच्छा से साझेदारी का समापन कर सकते हैं, जिसको हम साझेदारी समझौते द्वारा फर्म का समापन भी कहते हैं। नंबर दूसरी परिस्थिति, अनिवार्य रूप से फर्म का समापन। अनिवार्य रूप से फर्म का समापन विभिन्न परिस्थितियां इसके नीचे भी आती हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर अनिवार्य रूप से फर्म का समापन होता है। देखिएगा, निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है, अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगी, लेकिन कंडीशंस अलग अलग आएंगी। कौन सी कंडीशंस आएंगी ये आप देखिएगा नीचे। जब फर्म का व्यापार अवैध हो, अवैध को अंग्रेजी में बोलते हैं अनलीगल, गैर कानूनी तरीके से यदि व्यापार चलाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो फर्म को अनिवार्य रूप से समाप्त करना ही पड़ेगा। कंडीशन दो, जब कोई भी साझेदार शत्रु देश का नागरिक हो, जहां आपका व्यापार, साझेदारी व्यापार चल रहा है, उस देश में अगर कोई शत्रु देश का नागरिक भी आपके साथ साझेदार है, तो ऐसी स्थिति में वह गैर कानूनी व्यापार होगा, गैर कानूनी साझेदारी होगी, उसको अनिवार्य रूप से समाप्त करना ही पड़ेगा। कंडीशन नंबर तीन, जब एक साझेदार के अलावा सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं। माना कि एक फर्म में तीन साझेदार हैं, ए, बी और सी। अब यदि या तो ए को छोड़कर बी और सी दिवालिया हो जाएं, या फिर बी साझेदार को छोड़कर ए और सी साझेदार दिवालिया हो जाएं, या फिर सी साझेदार को छोड़कर ए और बी साझेदार दिवालिया हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है। दिवालिया अंग्रेजी में कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो ऐसी जब कंडीशन आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में अनिवार्य रूप से फर्म का समापन हो जाता है। कंडीशन नंबर नेक्स्ट, यदि साझेदारों की अधिकतम संख्या सामान्य साझेदारी में 20 और बैंकिंग व्यवसाय की साझेदारी में 10 से अधिक हो जाए। देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों की संख्या तय कर दी गई है कि सामान्य व्यवसाय में तो अधिक से अधिक 20 साझेदार हो सकते हैं और बैंकिंग व्यवसाय में अधिक से अधिक 10 साझेदार हो सकते हैं। अगर यदि सामान्य साझेदारी में 20 से अधिक साझेदार हो गए तो वह गैर कानूनी हो जाएगी, और अगर यदि बैंकिंग व्यवसाय में 10 साझेदारों से अधिक साझेदार हो गए तो वह गैर कानूनी हो जाएगी, अवैध हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में फिर उस साझेदारी फर्म को समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए अगर बैंकिंग, अगर साझेदारी व्यापार चालू रखना है, तो सामान्य साझेदारी में 10-20 से कम साझेदार और बैंकिंग व्यवसाय में 10 से कम साझेदार हमें रखना पड़ेगा, तब जाकर के अपन किसी भी साझेदारी व्यापार को चालू रख सकते हैं, अन्यथा अनिवार्य रूप से उसको समाप्त करना ही होगा। कंडीशन नंबर तीन क्या कहती है कि नोटिस द्वारा फर्म का समापन। ये भी एक ऐच्छिक साझेदारी के आधार पर ही तय होती है। ये कंडीशन जो होती है वो ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में ही लागू होती है। कंडीशन नंबर एक और कंडीशन नंबर तीन। कंडीशन नंबर एक क्या कहती है कि समझौते द्वारा फर्म का समापन, और कंडीशन तीन क्या कहती है, नोटिस द्वारा समापन। तो समझौते द्वारा समापन में भी आपको ये बताया गया था कि यदि कोई ऐच्छिक साझेदारी है तो सभी साझेदारों की इच्छा के आधार पर साझेदारी को समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार नोटिस द्वारा फर्म का समापन जब होता है, तो यदि साझेदारी स्वेच्छा पर निर्भर हो, तो किसी भी साझेदार द्वारा नोटिस दिए जाने पर फर्म का समापन किया जा सकता है। जब साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी में एक साझेदार द्वारा अन्य साझेदार को नोटिस दे दिया जाएगा कि फर्म को आगे चालू नहीं रखना है,
साझेदारी फर्म को समाप्त करना है। साझेदारी फर्म का समाप्त होते ही साझेदारी फर्म में जितने भी व्यावसायिक क्रियाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और उनके आधार पर फर्म का समापन किया जा सकता है। अब अगली कंडीशन आते हैं विद्यार्थियों, न्यायालय द्वारा फर्म का समापन। अब न्यायालय द्वारा फर्म का समापन अर्थात कोर्ट के द्वारा फर्म का समापन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, ये समस्त परिस्थितियाँ आपके साथ सामने दी गई हैं। देखिएगा, किसी भी साझेदार के आवेदन करने पर, किसी साझेदार यदि साझेदार आपस में फर्म का समापन करना चाहते तो एक साझेदार द्वारा फर्म को समाप्त करने के लिए न्यायालय में नोटिस देना पड़ता है, इसलिए वहाँ आवेदन करना पड़ता है। किसी भी साझेदार के आवेदन पर न्यायालय द्वारा निम्न परिस्थितियों में फर्म के समापन का आदेश दिया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा फर्म का आदेश दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले साझेदार यदि कोर्ट में आवेदन करते हैं तो किन किन कंडीशंस में किसी भी साझेदार के द्वारा न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। देखिएगा, नंबर एक, जब कोई साझेदार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। अगर यदि कोई भी साझेदार जो किसी भी साझेदारी फर्म में, चाहे वो सक्रिय साझेदार हो चाहे निष्क्रिय साझेदार हो, ऐसी स्थिति में कोई भी साझेदार यदि न्यायालय में आवेदन करता है फर्म के समापन के लिए, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश के आधार पर फर्म का समापन किया जा सकता है। नंबर कंडीशन दो, यदि कोई भी साझेदार दुराचार का दोषी हो जो कि फर्म के व्यापार को प्रभावित करे। अगर किसी भी साझेदार पर किसी भी प्रकार का कोई भी केस लगा हुआ, अगर कोई भी अपराधी हो और उसका व्यापार यदि फर्म पर पड़ता, उसका प्रभाव यदि फर्म पर पड़ता हो, फर्म के व्यापार पर पड़ता हो, अर्थात उसके प्रभाव से फर्म को हानि होने की संभावनाएं हों, अर्थात फर्म के बंद होने की संभावनाएं हों, तो ऐसी स्थिति में किसी भी साझेदार द्वारा न्यायालय में आवेदन करके और फर्म को समाप्त किया जा सकता है। कंडीशन तीन, यदि कोई भी सक्रिय साझेदार स्थायी रूप से अपाहिज हो जाए और साझेदार के रूप में अपना कार्य करने में असमर्थ हो। अगर कोई भी साझेदार, सक्रिय साझेदार क्या होते हैं, साझेदार जिनके ऊपर जो फर्म का संचालन भी करते हैं और फर्म के दायित्व का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, ऐसे साझेदार जो होते हैं वो सक्रिय साझेदार कहलाते हैं। तो जिनमें जिनको अपन सीमित साझेदार और असीमित साझेदार के रूप में बांट सकते हैं, जो असीमित साझेदार होते हैं वो साझेदार सक्रिय साझेदार कहलाते हैं, जिनकी फर्म में कोई सीमा नहीं होती, असीमित साझेदारी होती है उनकी, इसलिए उनको सक्रिय साझेदार कहा जाता है। सक्रिय साझेदारी के रूप में अगर कोई साझेदार रहता है और अपाहिज हो जाता है, जो अपना स्वयं का कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस साझेदार के द्वारा न्यायालय में आवेदन करना पड़ेगा और न्यायालय के में आवेदन करने के बाद न्यायालय के आदेश के आधार पर फर्म को समाप्त किया जा सकता है। कंडीशन नेक्स्ट, यदि कोई साझेदार जानबूझकर प्रसमिति की अवहेलना करे। यदि कोई साझेदार जानबूझकर प्रसमिति की अवहेलना का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी साझेदारी संलय की अवहेलना करे, किसी प्रत्येक साझेदार को साझेदारी संलय के आधार पर अधिकार दिए जाते हैं और यदि कोई भी साझेदार उन अधिकारों का दुरुपयोग करे, उन्हें दुरुपयोग के आधार पर जानबूझकर अगर कोई प्रसमिति की अवहेलना करता है, तो ऐसी स्थिति में एक साझेदार कोई भी न्यायालय में आवेदन करके और साझेदारी समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई साझेदार फर्म में अपने हित को किसी भी तीसरे पक्ष में हस्तांतरित कर दे। कोई भी साझेदार अपना पक्ष यदि तीसरे साझेदार को बेचना चाहता है, किसी अन्य साझेदार को बेचना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में एक साझेदार कोर्ट में आवेदन करके और साझेदारी को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट, यदि न्यायालय किसी भी उचित कारण से संतुष्ट हो जाए। अब इन को जो भी कारण हैं, कंडीशन नंबर ए से लेकर के एफ तक जो भी कंडीशंस हैं, इनमें किसी भी कारण से यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो न्यायालय द्वारा फर्म को समाप्त करने का आदेश दिया जा सकता है। और फर्म के समाप्त करने के आदेश जब न्यायालय द्वारा प्राप्त हो जाते हैं तो उस समय फिर फर्म का समापन करना अनिवार्य हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट कंडीशन आती है अपने पास, विशेष घटना के घटित होने पर फर्म का समापन। विशेष घटना के घटित होने पर फर्म का समापन स्वतः ही हो जाता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनके घटित होने पर फर्म का समापन स्वतः ही अपने आप निश्चित रूप से हो जाता है, वे घटनाएं कौन कौन सी देखिएगा। नंबर एक, साझेदारी यदि किसी विशेष अवधि के लिए हो,
तो अवधि समाप्ति पर फर्म का समापन स्वतः ही हो जाता है। मान लीजिए किसी भी साझेदारी फर्म का गठन 10 वर्ष के लिए किया गया है, 10 वर्षों के लिए यदि किसी साझेदारी फर्म का गठन किया गया है तो जैसे ही 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 10 वर्ष पूरे होते ही फर्म स्वतः ही निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी अर्थात बंद हो जाएगी और साझेदारी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फिर फर्म में किसी प्रकार के कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं हो पाएंगे, व्यवसायिक कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन कहती है कि साझेदारी यदि किसी विशेष कार्य के लिए स्थापित की गई हो तो उस कार्य के पूर्ण होते हैं। मान लीजिए किसी भवन निर्माण के लिए साझेदारी का गठन हुआ। अब भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया, भवन निर्माण का कार्य पूरा होते ही साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो गई। मान लीजिए कोई ब्रिज या पुल बनाने के लिए साझेदारी की स्थापना हुई, साझेदारी का गठन हुआ। अब वह ब्रिज या पुल जैसे ही पूरा हो जाएगा साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए रेल लाइन बिछाने के लिए साझेदारी का गठन हुआ, जैसे ही रेल लाइन समाप्त हो जाएगी वो कार्य पूरा हो जाएगा, कार्य पूरा होते ही साझेदारी स्वतः रूप से समाप्त हो जाएगी। इसलिए किसी विशेष कार्य को तैयार कार्य करने के लिए यदि साझेदारी स्थापित की गई हो तो उस कार्य के पूर्ण होते ही साझेदारी स्वतः ही रूप से बंद हो जाती है। नेक्स्ट, किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, अगर मान लीजिए किसी फर्म में ए बी सी डी चार साझेदार हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते और 2 से कम नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी साझेदारी फर्म में अगर किसी साझेदार की ए बी सी या डी में से किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म का समापन हो जाएगा। किसी भी साझेदार के न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने पर, अगर फर्म में जितने भी साझेदारों में से कोई भी साझेदार दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया हो जाने की स्थिति में भी फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है। अर्थात किसी इस प्रकार का जो समापन है वो किसी भी घटना के घटित होने पर फर्म का समापन कहलाता है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको फर्म के समापन के प्रकार पढ़ाए गए, सभी प्रकारों को आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी यदि किसी विशेष कोई भी दिक्कत होती है तो उसको दोबारा से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना। धन्यवाद।